दोस्तों, डीएनए एक्टिवेशन या चक्र जागरण को बहुत सारे लक्षणों द्वारा समझा जा सकता है। इससे आध्यात्मिक चेतना जागरण भी कह सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप यह समझ सकेंगे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी चल रही है और आपकी चेतना या ऊर्जा का स्तर क्या है। और आपको यह भी समझने में आसानी होगी कि प्राणायाम और ध्यान से कितने फायदे हो सकते हैं। यदि आप अपने जीवन स्तर को सुधारना अथवा बेहतर करना चाहते हैं तो ध्यान व प्राणायाम करते रहें। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार डीएनए को एक्टिव किया जा सकता है, जिसे आध्यात्म की भाषा में कुंडली जागरण या चक्र जागरण भी कहते हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वीडियो खत्म होने के बाद आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो जरूर देखें। साथ ही आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इंसानों में 98% डीएनए सुप्त अवस्था यानी इनएक्टिव होता है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि हम में अभी कितनी संभावनाएं बाकी हैं। दोस्तों, चिंपांजी और इंसान में सिर्फ 2% डीएनए का ही अंतर है। चिंपांजी के मुकाबले इंसान में 2% डीएनए ज्यादा एक्टिव है, जिस वजह से हमने अभी तक इतनी तरक्की और उन्नति कर ली है। और हम इंसान यदि 2% डीएनए को और एक्टिव कर लेते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। डीएनए एक्टिवेशन के बाद शरीर व मानसिक स्थिति में बहुत सारे बदलाव महसूस होने लगते हैं। यदि आपको भी इस प्रकार के कोई अनुभव होते हैं तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। बस आपको ध्यान का समय 64 मिनट से ज्यादा करना होगा और प्राणायाम 30 मिनट से ज्यादा। यह सिर्फ 1 महीने तक नियमित टाइम पर शुरू करें तो आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आने लगेंगे। 64 मिनट ध्यान क्यों करना चाहिए, यह मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि यह स्वर विज्ञान और नाड़ी विज्ञान पर आधारित है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि मैं जो आपको जानकारी देता हूं, यह जानकारी आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, अपितु गुरु शिष्य परंपरा में गुरु द्वारा शिष्य को आश्रम में यह जानकारी दी जाती है। आज इस वीडियो में हम डीएनए एक्टिवेशन या कुंडली जागरण के सिम्टम्स या लक्षण जानेंगे। पहला लक्षण, ध्यान के बाद हल्का सा सर दुखना या विचार शून्य हो जाना। जब भी आप 2 मिनट फुर्सत से कहीं बैठे हों तो आपको हल्का सा सर दर्द महसूस होगा। दूसरा लक्षण, कभी बहुत सोना यानी कभी 10 से 12 घंटे तक सोना तो कभी 3 घंटे में ही नींद पूरी हो जाना। तीसरा लक्षण, पांचों इंद्रियां जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श करना, यह इंद्रियां ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी और आप ज़्यादा सजग रहने लगेंगे। जैसे बहुत हल्की स्मेल को भी सूंघ लेना, जैसे किसी घटना को देखकर पूरी बात को तुरंत समझ जाना और हर बात पर ध्यान रखना। बहुत से लोग तो यह भी याद नहीं रख पाते कि उनकी घड़ी में रोमन अक्षर लिखे हैं या फिर 1, 2, 3। चौथा लक्षण, जो चीज़ खाना पसंद न हो वह भी पसंद आने लगे, क्योंकि शरीर में परिवर्तन आने लगे हैं। पांचवा लक्षण, खुराक कम होना, क्योंकि आपको अंदर से ऊर्जा मिलने लगेगी। छठा लक्षण, प्राकृतिक स्थानों पर जाने का मन होना, क्योंकि आपका मन निर्मल होने लगा है। सातवां लक्षण, कम बोलने की इच्छा होना या फालतू बात न करना। आठवां लक्षण, सालों से बुखार न आना। भले ही आप बीमार हो लेकिन आपका शरीर का तापमान स्थिर रहेगा। नौवां लक्षण, घोर अंधकार में भी प्रकाश दिखाई देना यानी दिव्य प्रकाश के पुंज दिखना। दसवां लक्षण, शरीर पर चींटी चलने जैसा महसूस होना। ग्यारहवां लक्षण, दिल की धड़कनों को सुनना और शरीर में बहते हुए खून को महसूस करना। बारहवां लक्षण, अनजान लोगों की मदद करने का मन होना और उनसे बात करना। तेरहवां लक्षण, सपने पूरी तरह से याद रखना कि सपना कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ खत्म। चौदहवां लक्षण, हाइपर एक्टिव होना जैसे कोई खिलाड़ी रहते हैं। पंद्रहवां लक्षण, नींद में आउट ऑफ बॉडी का महसूस होना। सोलहवां लक्षण, टेलीपैथी एक्टिव होना, मतलब आपके मोबाइल पर अगर कोई फ़ोन आने वाला है तो पहले से ही उस व्यक्ति के बारे में सोचना, या आप किसी को फ़ोन कर रहे हो तो वह व्यक्ति बोले कि आपकी ही बात अभी चल रही थी। 17वां लक्षण, ज़्यादा प्रकाश या तेज लाइट में
इरिटेशन होना, यानी आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं निकल सकते बिना चश्मे के। 18वां लक्षण, पलकों का कम झपकना। 19वां लक्षण, थकान कम महसूस करना या लंबे समय तक लगातार काम करना। 20वां लक्षण, एकांत में रहना। दोस्तों, ऐसे और भी कई सारे लक्षण होते हैं जो हर चक्र जागरण या डीएनए एक्टिवेशन पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। मानसिक और शारीरिक स्तर पर इन सभी लक्षणों में से आपको क्या अनुभूति हुई है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए वैदिक साइंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।